हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे HDFC का म्यूचुअल फंड्स का स्टॉक। समझ रहे हो इस बात को, म्यूचुअल फंड्स का स्टॉक है ये HDFC ग्रुप का। पैसा ही पैसा, मौका इन्वेस्टमेंट का। पहले जो मौके आए वो भी आपको बताए गए, लेकिन क्या फिर मौका इन्वेस्टमेंट का है? अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो बात मैं आपको कहूंगा, अपनी एनालिसिस करना सीखिए, अपनी एनालिसिस। समझो इस बात को, चाहे अगर मैं भी कोई स्टॉक आपको यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करके बताता हूँ, उसके बावजूद आपकी अपनी एक एनालिसिस होनी चाहिए कि किस तरीके से आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक आप चीज़ें खुद रियलाइज नहीं करते, तब तक मार्केट में लंबे टाइम तक टिके रहना मुश्किल काम होता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अपनी एक सोच बनाइए स्टॉक के बारे में, मार्केट के बारे में, उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस इजीली ले सकते हो। क्योंकि जो रन टाइम पे डिसीजन होते हैं ना, कभी मार्केट गिर रही है, कहाँ पे आपको रिस्क मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, जब तक आप खुद उस सिचुएशन तक नहीं पहुंचते हैं, तो तब तक मार्केट में पैसा बनाना बहुत टफ काम होता है। और मार्केट में कभी ये मत सोचिए कि कोई भी स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कि मुझे आंख बंद करके खरीदना है। आपको जो भी चीज है, आंखें खोल के होशो हवास में इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट को आप एक बिजनेस की तरह लीजिए। यहां पे आप स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, तो मतलब आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें जो प्रॉफिट्स हैं, जो लॉसेस हैं, उन सारी चीजों को आपको देखना होता है, रिस्क जो एसोसिएटेड होता है उसको समझना होता है। तो सीधे मैं अभी HDFC के इस स्टॉक की तरफ आपको लेके चलता हूं, जो है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि HDFC AMC के नाम से जानी जाती है। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, जब इसका IPO आया था, HDFC AMC का IPO आया था। IPO में ये लोगों को 1100 रुपए के आसपास मिला था, हमें तो याद है। यहाँ पे बिल्कुल एक एक चीज IPO तो हम मेजर फोकस करते ही रहते हैं। तो उसके बाद ये स्टॉक ने ऐसा रिटर्न दिया था 3700 के लेवल तक का, मतलब 1100 रुपए का शेयर कुछ ही सालों के अंदर आपको इतना जबरदस्त आपके पैसे को 3 गुना तक कर दे रहा है। और उसके बाद करेक्शंस, अभी रिसेंट जो करेक्शन आई थी, आपको रेगुलर बेसिस पे इसके बाद अपडेट किया गया था कि क्या इसका बेस हो सकता है, किस तरीके से सिचुएशन पॉजिटिव जा सकती है, कब एंट्री के मौके हो सकते हैं और कितना रिस्क वहां पे आपका बनता है। तो मैं अभी आपको फिर से स्टॉक के बारे में लेके चलूंगा। देखिए HDFC AMC के स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये स्टॉक जो है वो एक जीरो डेट की कंपनी है। लोगों का पैसा आता है म्यूचुअल फंड्स के बाद, म्यूचुअल फंड्स का काम होता है उसको इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए कि मैक्सिमम रिटर्न कमाया जाए और उसके बेसिस पे लोगों को रिटर्न मिले और साथ के साथ अपना प्रॉफिट भी बने। तो ये सोचिए, पैसा कहां से आ रहा है? बाहर का, पब्लिक का पैसा है। म्यूचुअल फंड में जो लगाते हैं वही पैसा है और उसी पैसे को ये इन्वेस्ट करके माल कमाते हैं। तो जरा अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, कोई कमी नहीं है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 32% के आसपास है। आपको कह रही तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। जरा सोचिए, एक म्यूचुअल फंड की कंपनी, अगर आपको मैं एक बात कहूं कि अगर आप शेयर मार्केट से वाकिफ नहीं हो, तो सीधे सीधे क्लियर कट मैं आपको कहता हूं कि भाई भूल जाओ शेयर मार्केट को। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है, आपको टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो मार्केट, शेयर मार्केट पे डायरेक्ट इन्वेस्ट मत कीजिए, म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाइए। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक प्रोफेशनल्स होते हैं, जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, जो कि एक एक चीज को बारीकी से, निगरानी से, क्योंकि जब वो आपको कमा के देंगे तभी वो खुद कमा पाएंगे, ये मान के चले, तो आप इनकी तरफ डायरेक्ट जा सकते हो। तो कभी भी हो, शेयर मार्केट में टाइम चाहिए होता है, आपके एनालिसिस चाहिए होती है, आपकी नॉलेज चाहिए होती है। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, इतनी सारी चीजों में टाइम दे सकते हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है बाकी लोगों के लिए जो कि टाइम नहीं दे सकते। तो HDFC AMC की हमने बात करी, फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तो लोग म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकालने लग जाते हैं। जब म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकालने लग जाते हैं और आप, ये पैसा आपका ही तो है, यहाँ पे मान के चलिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो ऐसी इसी तरीके से जनता का पैसा है जिन्होंने भी वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो जब वो पैसे निकालने लग जाएगा तो कंपनी कहाँ से पैसा कमाएगी? क्योंकि पैसा ही यहाँ पे पैसे को बना रहा है, तो पैसा ही पैसा है ये मान के चलिए। यहाँ पे आपका जो कुछ लग रहा है रॉ मटेरियल, वो भी पैसा है, सब कुछ जो है वही प्रोसेस हो रहा है पैसा, और आउटपुट भी आपका पैसा निकल रहा है, तो सब कुछ पैसा ही पैसा यहाँ है। तो इसीलिए मैं आपको यह कहूंगा कि इस स्टॉक को देखिए तसल्ली से, इसके प्रॉफिट को देखिए तसल्ली से, फंडामेंटली आपको बहुत ही अच्छा यह स्टॉक लगेगा। और HDFC ग्रुप का यह स्टॉक है, तो ये जरा देखिए ध्यान से। और पिछले कुछ टाइम में प्रोमोटर्स ने थोड़ा बहुत माल बेचा है, जिनको म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है, म्यूचुअल फंड्स वालों ने भी इसको खरीदा है। तो किस तरीके से देखिए, म्यूचुअल फंड की कंपनी म्यूचुअल फंड के शेयर्स में भी इन्वेस्ट यहां पे कर रही है, और पब्लिक की हिस्सेदारी अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 5 लाख
5 लाख रिटेल निवेशकों के पास ये शेयर है, और 5 लाख रिटेल निवेशक बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ पे मैं कहूंगा रिटेल निवेशकों का। लेकिन हम इस स्टॉक को आज क्यों लेके आए हैं, सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल पे लेके चलूंगा। कोई भी स्टॉक जब मैं आपके लिए लेके आता हूँ तो टेक्निकल हमारा वहां पे मेजर कारण होता है। सबसे पहले देखिए, जब भी इस स्टॉक के मंथली चार्ट को देखते हैं, इसमें करेक्शन आई थी, करेक्शन का रिजोल्यूशन हुआ था। मैं आपको बार बार कहता था भैया जो ये करेक्शन आएगी अगली वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके रिजोल्यूशन का इंतजार करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये नवंबर के बाद दिसंबर में इसमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, जब ये बड़ी कैंडल बन गई थी उसके बाद अच्छी रैली स्टार्ट हुई एंड वी ऑलरेडी गॉट मतलब 400 से 500 पॉइंट की रैली हमें ऑलरेडी मिल चुकी है स्टॉक में। आपको कैसी बातें कर रहे हो, कौन सी रैली मिल गई आपको, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पार्ट देखिए, मैं आपको हमेशा 2800 का लेवल के आसपास ये जो रेंज था ना हाई रेंज, इसके पास ब्रेकआउट की बात करता था। और उससे पहले अभी हमने जब इसको दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब इस रेंज में ये स्टॉक था तो यहीं पे बिल्कुल जब एक करेक्शन मतलब पूरी की पूरी ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी तो इसी एरिया में इसको पकड़ लिया था और समझ लिया था कि भैया ये स्टॉक अब अगली रैली के लिए तैयार हो रहा है। अब आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको एक जस्ट एक मैं कहूंगा इसको सुनिए और इस वीडियो को आप डिटेल में थोड़ा सा देख भी सकते हो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा, जरा सुनिए इसको। मैं समझ गया होगा कि भैया चीजें बदल रही हैं। आरएसआई पे देखिए, फर्स्ट जंप करेक्शन जंप करेक्शन जंप, अब आपको गया क्या एक और जंप के बाद यानी कि 2800 के आसपास फिर से करेक्शन मिलेगा। डेफिनेटली 2800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक नई एनर्जी इस स्टॉक में आएगी क्योंकि बहुत सारे लोग काफी देखिए मार्केट में हर तरीके के लोग होते हैं, जो कम से कम रिस्क लेगा वो यहाँ पे स्टार्ट करेगा इन्वेस्टमेंट करना, जो थोड़ा सा हिसाब से यहाँ पे देख रहा होगा वो 2500-2400 के लेवल पे स्टार्ट कर दिया होगा उसने उसका। तो आपने देखा हमने किस तरीके से, ये दिसंबर 5 का वीडियो है, तसल्ली से देखिए दिसंबर 5 का वीडियो है, दोबारा आप इसको देखिए, तब तक प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ था। तो इसीलिए मैं आपको इसलिए दोबारा अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे क्यों इस रेंज में हमको करेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन आएगा, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आएगा। ब्रेकआउट की हमारी एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमको पुल बैक, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया और अच्छा खासा पुल बैक, और 21 दिसंबर इसी के बीच में लाई हुआ और इसने वीकली पे बुलिश क्रॉस भी हमको बना के दे दिया। तो पहला एरिया जो हमारा था वो इस ब्रेकआउट का था 2500-2600 का रेंज, और वहां से ये ऑलरेडी हमको एक 500 पॉइंट का मूव दे चुका है, ब्रेकआउट भी आ चुका है, ब्रेकआउट के बाद फिर से ये स्टॉक दोबारा रैली के लिए तैयार हो चुका है। तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर के साथ साथ मैं आपको एक और चीज कहूंगा, टेक्निकल एनालिसिस का फायदा ही यही होता है, चाहे कितना अच्छा स्टॉक हो या कितना बुरा स्टॉक हो, आप चीजों को समझते हो और अपनी एनालिसिस करते हो। इस पूरे के पूरे चार्ट को देखिए, इस पूरी सीरीज को जब आप देखोगे आप कहोगे वाह क्या ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये बुलिश क्रॉस बना, फिर ये एरिया था, और जब हमने इसका वीडियो क्रिएट किया था तब इस रेंज में लाइक कर रहा था, देखिए बिल्कुल इस रेंज में लाइक कर रहा था, और ये मान के चलिए कि अगले ब्रेकआउट का ये डेली पे ब्रेकआउट का पुलबैक उस टाइम पे चल रहा था। फिर तेजी आई और ये 21 दिसंबर वाली करेक्शन हमारे सामने आई और फिर से ये स्टॉक भी यही तो पुलबैक था जिसकी बात हो रही थी। ये पुलबैक देखिए, ये एरिया 2800 के आसपास जो हमारी बार बार हम कह रहे थे कि भाई करेक्शन आएगा 2800 के लेवल पे, क्योंकि यहां पे जब तेजी आएगी तो एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी फिर आएगी। अब आपको यार आप किस तरीके से ऐसी चीजों को समझते हो, अब पूरा का पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब भी स्टॉक को देखना हो हायर है हायर लो की सीरीज आपको देखने को मिलती है। अब आप प्राइस को देखोगे, आरएसआई आपके लिए बहुत बढ़िया फिल्टर का काम करता है, आरएसआई एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंटम आपको बताता है। इस पर्टिकुलर करेक्शन को आप देख सकते हो, इस पर्टिकुलर करेक्शन को देखिए, इसका रिजोल्यूशन, फिर जो लास्ट टाइम पे हमने वीडियो क्रिएट किया था ये वाली करेक्शन थी, देखिए ये वाली आपको फ्लैट दिख रहा होगा, लेकिन यहां पे देखिए हमने आरएसआई पे किस तरीके से इसको समझा था करेक्शन को, और फिर से आज ये वीडियो जो क्रिएट कर रहे हैं हम, ये आरएसआई का अगला लेवल हमें देखने को मिला, तो फिर से आपके लिए वीडियो क्रिएट हो गया। भैया ये रैली अभी कंटिन्यू हो रही है, अभी ये कहां तक ये शेयर जा सकता है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, फिर से आपको मौके इस तरीके से मिलते रहेंगे। अप डाउन स्टॉक में चलता रहता है, तो आपको सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आप चाहते क्या हो। अब जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर होगा उसने इन लेवल से 2500 के लेवल से स्टार्ट कर दिया होगा इन्वेस्ट करना, वो अब यहां पे पोजीशन, जैसे यहां पे उसने पोजीशन बढ़ा दिया 2800-2900 के लेवल पे, एक और पोजीशन यहां पे बढ़ा दी, जैसी अगली तेजी आएगी फिर एक करेक्शन आएगा फिर वो अपनी पोजीशन थोड़ा और बढ़ा देगा। तो इस तरीके से जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तब पोजीशन बढ़ाने का फायदा अच्छा होता है, इवन जब डाउन ट्रेंड में होता है, मेरा थोड़ा सा
मार्केट से लोग डिफरेंट स्ट्रेटेजी सबकी होती है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी है कि स्टॉक एक बार अप ट्रेंड में आ जाए, जैसे पूरा का पूरा करेक्शन रिजॉल्व हुआ, एक बार वो अप ट्रेंड में आ गया तो उसके बाद आप पोजीशन बढ़ा सकते हो विद प्रॉपर अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर ट्रेल करते रहो, और जो रिसेंट पोजिशन में नहीं है उसका स्टॉप लॉस रिसेंट वाला रहना चाहिए ताकि आपके पुराने प्रॉफिट को कोई झटका ना लगे। तो फिलहाल ये आपने देखा HDFC AMC के बारे में हमने डिटेल में बात करी, और इस तरीके से मौके आपको मिलते रहेंगे। और पुराना वीडियो जो मैं कहूंगा 2500 के लेवल वाला, उसको बिल्कुल भी ना मिस करें, उसको देखिए, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीरीज सीखना चाहते हो तो ऑलरेडी आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, हम यहाँ पे डिटेल में वहाँ पे आपके लिए वीडियोस क्रिएटेड है, और उसके बाद हमारे पास एक प्राइवेट ग्रुप भी है जो वहाँ पे धीरे धीरे उन चीज़ों को लर्न कर लेता है, फिर हम वहाँ पे और डिटेल में प्राइवेट ग्रुप में चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।